अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बैअ को हलाल किया और सूद को, ब्याज को अल्लाह ने हराम करार दिया है। इसकी कई किस्में हैं सूद की, आज उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं मैं सामईन हजरात। देखिए खरीदो फरोख्त तो जायज है, आप उसमें मुनाफा कमा रहे हैं तिजारत के जरिए, वो जायज है, बल्कि सुन्नत है। आपने एक माल 10 रुपए का खरीदा और वो 11-12 का बेच रहे हैं आप, उसमें कुछ खर्चा भी आ रहा, जायज है, लेकिन मुनाफा एक हद तक होना चाहिए। मुनाफे में इस चीज का खास ख्याल रखा चाहिए कि वो इतना ना हो कि आप बहुत ज्यादा मुनाफा उसमें रख दें जो गिरा गुजरे ग्राहक पर। जैसे आज देखने में आता है कि बहुत सी टैबलेट बन रही है या बिक रही है, हकीकत जो खरीदी जा रही है वो 200-150 रुपए की, और उसमें MRP कितने पड़े हुए हैं, 55 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया। अब वो बिक रही है मार्केट में 80-100 रुपए की, तो ये भी बिल्कुल नजायज तरीके का है कि आप 5 रुपए की, 2 रुपए की चीज 50 रुपए की बेच रहे हैं आप, तो उस हद तक भी मुनाफा नहीं होना चाहिए। जब इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी तो खास तरीके से इसका भी खास ख्याल रखा जाता था कि बाजार में हमारे जो ताजिर लोग हैं वो किस हद तक मुनाफा कमा रहे हैं, अगर उनका मुनाफा हद से ज्यादा होता था तो उन पर सख्ती की जाती थी और इस चीज से उनको बाज रहने के लिए कहा जाता था। लेकिन आज कोई ऐसा बाजार है नहीं, कोई इस्लामी कानून ऐसा है नहीं, आज तो अंधी नगरी चौपट राज है, जिसका अगर 2 रुपए की चीज है तो 50 रुपए का MRP डाल दिया है, फिर उसमें डिस्काउंट चल पड़े, 1000 बातें। लेकिन इस्लामी कवानीन में ऐसा तसव्वुर नहीं है। मुअज्जज सामईन हजरात, इस्लामी कानून बड़ा प्यारा कानून है, तिजारत जायज है, खरीदो फरोख्त जायज है, बै जायज है, मुनाफा जायज है, लेकिन मुनाफा भी एक हद तक होना चाहिए। उस तरह से नहीं होना चाहिए कि ग्राहक पर वो गिरा गुजरे या उस पर बोझ गुजरे, यानी आपने जो है जो असली कीमत है उससे कई गुना ज्यादा आपने मुनाफा ले लिया झूठ सच बोल करके, तो ये भी फिर आपके लिए जायज नहीं होगा। हाँ, किसी हद तक आप कारोबार करें, तिजारत करें, और जो उसके मुआफिक और जो मुनासिब मुनाफा है वो आप हासिल करें, अल्लाह फिर आपके उस कारोबार में बरकत देगा। लेकिन सूद ब्याज ये हराम है, किसी को पैसे दे दिए 1000, एक महीने के बाद 1100 ले लिया आपने, हराम है, समझ रहे आप, ये किस्म आपकी जायज नहीं है। लेकिन जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा होता है, बैंक में उस पर जो हमें पैसा बढ़ जाता है, जैसे बैंक में आप 10,000 रुपए डाल दें, 1 साल के बाद चाहे 10 रुपया बढ़े लेकिन बढ़ जाएगा, तो हिंदुस्तान के अंदर खासकर हमारे उलमा ने हिंदुस्तान के अंदर ये जायज करार दिया है। इस तरह का ब्याज, ये जो बैंक में आपकी नकदी पड़ी है 1-2 लाख या जितने भी हस्बे हैसियत किसी शख्स के पड़े हैं, और उनके हैसियत के मुताबिक जो एक आता है, बढ़ता है पैसा बैंक में, तो उसको उलमा ने जायज करार दिया है। ऐसे ही शक्ल FD वगैरह की उलमा ने बताई है कि जो आप यहाँ हिंदुस्तान में खासकर जो आप जमा करते हैं और उसका कुछ गुना बढ़ के हिंदुस्तान की हुकूमत के जरिए से आपको मिलता है, तो क्या वो जायज है? तो हिंदुस्तान के लिए वो भी जायज है। ये मसला हर जगह का नहीं, खासकर हिंदुस्तान का मैं बयान कर रहा हूँ, अपने मुल्क का, क्योंकि हमें अपने मुल्क से सरोकार है। और इसमें कई चीजें और भी हैं, जैसे हम रहन पे जमीन रखते हैं, रहन भी कई तरह का होता है कि भाई हम इस फसल में 1 क्विंटल तुमसे गल्ला लेंगे, गेहूं या धान, आपके फसल मारी जाए ज्यादा पैदा हो या कम, 1 क्विंटल देना, ये भी जायज नहीं है, इसलिए कि आपने तो 1 क्विंटल तय कर लिया, उसके 1 क्विंटल पैदा हो कि नहीं हो, मारी जाए फसल, ये जायज नहीं है। जो पहले ठेके पे जमीनें ले ली जाती हैं, ये भी जायज नहीं है ठेके पे जमीन लेना। वो जो अनाज तय कर लिया जाता है कि साहब ये अनाज है, इतना अनाज हम आपको देंगे और ये फसल आपकी बोएंगे, ये 2 फसलों के लिए, ये भी जायज नहीं है। ऐसे ही बाग 2 साल के लिए बेच दिया जाता है, 2 साल के लिए जो बाग बेच दिए जाते हैं, 2 साल पहले उसकी रकम हासिल कर ली जाती है, अब 2 साल तक वो बाग वाला जिसने खरीदा है उसमें आम आए ना आए, फसल आए कम आए,
अब उसका जिम्मेदार वो है, ये भी जायज नहीं है, इसलिए कि आपने फसल की रकम पहले ले ली, क्या मालूम वो बाजार में किस कीमत को बिके, बाजार में उस वक्त का रेट क्या हो, या फिर वो फसल किस हद तक आए, या फसल खराब हो जाए, या फसल ना आए, उसमें बहुत सारी सूरतें हैं। तो इसलिए बाग भी पहले बेचना जायज नहीं है, ये भी उसी की सूरत है। जैसे रहन पे जमीन हम ले लेते हैं पहले, वो भी जायज नहीं है कि साहब हमने इतने गल्ले में आपकी जमीन ली, या इतने क्विंटल अनाज में इतनी बीघा जमीन ली, ये भी ठेके पे लेना या इस तरीके से रहन पे लेना, ये जायज नहीं। बाग पहले बेच दिया जाता है, वो भी जायज नहीं, इसलिए कि इस्लाम में इस तरह की बेजायज नहीं है कि जिसमें किसी को तकलीफ हो या फिर घाटा ही घाटा हो। भाई दो साल को बाग बेच दिया, क्या मालूम एक साल भाव बहुत नीचा रहा, एक साल फसल ही नहीं आई, मारी गई, ज्यादा आंधी तूफान आ गए, फसल गिर गई, तो तकलीफ होगी ना बाग खरीदने वाले को, और इस्लाम में तकलीफ नहीं है। तो बाग में जब बेचा जाए, जब आम आ जाए अमिया, और वो अपनी आने के बाद में अपनी पूरी शक्ल इख्तियार कर ले, फिर वो मौजूदा माल बेचा जाए। ऐसे ही बहुत से लोग फसल पे पैसा उठा देते हैं, भाई मार्केट में गल्ला आया नहीं, हमारे धान या गेहूं खड़े हैं, कि भाई हम इस रेट के हिसाब से तुम्हें पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1500 के हिसाब से गेहूं हमारी फसल खड़ी है, हमने कहा भाई 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से हम तुम्हें आप पैसे दे रहे हैं, तुम्हारा गेहूं आएगा तो आप हमें, हमने 1500 के हिसाब से तुम्हें ये रकम दे दी, अब आप हमें जब गेहूं आएगा तो उसके हिसाब से गेहूं दे देना, ये भी जायज नहीं है। जब तक क्या मार्केट में वो गल्ला वो अनाज ना आ जाए, उसकी आपने पहले से रकम या कीमत मुतय्यन करके किसी को दे दी, वो भी जायज नहीं है। धानों पे पैसे, गेहूं पे पैसे मजबूर लोग बेचारे लेते हैं ना, हाँ ये जायज है कि भाई ये मैंने आपको पैसे दे दिए 10,000, अब तेरी जब फसल आएगी जिस टाइम उस टाइम जो भी रेट होगा उस रेट को मैं तेरा गल्ला मैं ही लूंगा, मुझे ही कुछ देना, यानी मैंने ये जो 20,000-50,000 तुझे दे रहा तेरे काम के लिए, तू अपना काम कर ले, लेकिन जब तेरी गेहूं दान या कोई भी तेरी फसल आएगी तो वो जो भी रेट उस वक्त का होगा उस रेट में लगा करके अपना गल्ला मुझे को बेचना और ये पैसा मैं कटवा दूंगा, ये जायज। लेकिन पहले ही भाव मुतय्यन कर लेना, ये जायज हरगिज हरगिज नहीं है। इन खास चंद चीजों का जरूर ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी था, इसलिए जो मेरे दिल में चुभ रहा था सामीन हजरात मैंने आपको बताया, इस पर अमल की कोशिश करें।